तो बिहार में नीतीश कुमार अब एनडीए के सहयोगी हैं और उनके पुराने सहयोगी लालू यादव के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज ईडी ने लालू यादव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि लालू यादव को रात करीब 9 बजे ईडी दफ्तर से छोड़ दिया गया और घर जाने की इजाजत मिल गई। लालू यादव सुबह 11 बजे पटना में ईडी ऑफिस पहुंचे थे और रात 8 बजे तक उनसे पूछताछ होती रही और ईडी की टीम ने उनसे 50 सवाल पूछे। रात 9 बजे के करीब वो ईडी दफ्तर से निकले। कल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव ने नौकरी देने के बदले लोगों की जमीन ली थी और इसी मामले पर ईडी की जांच चल रही है और लालू परिवार को समन भेजा गया है। ईडी की इसी कार्रवाई को लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने बदले की कार्रवाई बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई की मदद से विपक्ष के नेताओं को डराने का आरोप भी लगाया। ये देश की जनता और बिहार की जनता, मीडिया और सब लोग इसको भली भांति से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा कब होता है। कब होता है कहने का मतलब कि जब आप डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 24 चुनाव को लेकर के काफी डरे हुए हैं और इसी कारण विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देश के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर के हमेशा अपनी बात को जनता के बीच रखते रहेंगे। Z News.